हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस आज एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म की वीडियो में आप सबका वेलकम है। फार्मिंग सिमुलेटर 19 में का रिसेंटली पिछले दिन एक फ्री जो है वो डीएलसी रिलीज़ किया गया था जायंट सॉफ्टवेयर की तरफ से। ये डीएलसी बेसिकली ईआईटी जो कि एक यूरोपियन फूड कंपनी है, फूड रेगुलेटिंग कंपनी है, और जॉन डियर की तरफ से जो है वो इसको फंड किया गया था। और ये बेसिकली ये डीएलसी गाइस फार्मिंग सिमुलेटर 19 में बहुत ज़्यादा रियलिज्म जो है उसको इंक्रीज करेगा। और इसका मकसद लोगों को गाइड करना है कि आप फार्मिंग सिमुलेटर में, मतलब कि फार्मिंग में किस तरह से जो है वो सोयल, ज़मीन है, जो मिट्टी है, उसको जो है वो किस तरह से बेहतर किया जाता है, बेहतर उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, ताकि कोई एक फार्मर जो है वो अपनी फसल से ज़्यादा यील्ड हासिल कर सके। यील्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल कर सके अपने फील्ड से, मतलब कि अपने खेत से। तो ये सारा कुछ जो है वो इस हम वीडियो में कवर करेंगे कि प्रिसीजन फार्मिंग डीएलसी, वैसे इसका नाम है, कि प्रिसीजन फार्मिंग डीएलसी क्या चीज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस लिए होगा, और क्या आप लोगों का, मतलब कि अगर कोई बंदा इसको अपनी गेम में यूज़ करने की कोशिश करता है या करता है तो उसको इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो इसलिए क्योंकि हमने ये बेसिकली एक मोड टेस्ट करना था, इसलिए आज हम आ चुके हैं फेल्सबर्न के मैप में। और मैंने कभी, मतलब बहुत ही कम ये मैप खेला है, तो इसलिए हम जो है वो इस मैप में जो है वो इस चीज़ को टेस्ट आउट करेंगे। नाउ इस डीएलसी में दो तीन चीज़ें जो है वो न्यू ऐड की गई हैं इस गेम में, तो वो हम मैं भी आपको शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको अच्छे से कि क्या वो चीज़ें हैं। तो पहले तो हम जो है वो यहाँ से उतरते हैं। तो जो यहाँ पे पहली चीज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉन डियर गेटर, ये एक व्हीकल है जो कि ऐड की गई है। वैसे तो ये, मतलब कि जिन्होंने लोगों ने प्री ऑर्डर की थी उन लोगों को मिला था बाद में, तो लेकिन मेरे को अभी कंफर्म नहीं पता, लेकिन कुछ था इस तरह से इसका चक्कर जो है, या फिर ये शायद कॉटन डीएलसी में आया था। लेकिन यहाँ पे गाइज, यहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये वाली मशीन, इसका नाम है आई सियेरा स्काउट। और या गाइज, ये वाली मशीन जो है ये मिट्टी के सैंपल लेती है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे इसकी जो है वो छोटी छोटी सी देख सकते हैं कि प्लेट सी बनी हुई है, और मतलब कि ट्यूब सी बनी हुई है छोटी छोटी सी। तो यहाँ पे ये मिट्टी के सैंपल लेगी, और जब आपको, आप इसको अपने फील्ड में ले जाओगे तो ये मिट्टी के सैंपल लेके आपको बताएगी कि कैसे जो है वो क्या स्टेट है, कौन सी कंडीशन में है आपका फील्ड, उसको क्या चीज़ चाहिए, खाद कितनी चाहिए, मैनर कितना चाहिए, गोबर कितना चाहिए उसको, और उसको जो है वो लाइम। अभी गाइज, इस डीएलसी के आने के बाद फार्मिंग सिमुलेटर 19 में जो भी चीज़ें ऐड की गई थी जिनका अभी तक कोई इतना लॉजिक नहीं बन रहा था, उनका अब लॉजिक बनना शुरू हो गया है। फॉर इंस्टेंस लाइम, लाइम अगर आप अब देखें, इससे पहले जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, ठीक है, कि एडिशनल सी चीज़ थी, अगर आप उसको यूज़ करते थे तो ठीक था, अदरवाइज़ ना भी करते तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइज, इस डीएलसी के बाद लाइम के यूज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आने वाला है। फिर कौन सा फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है इस डीएलसी को इंस्टॉल करने के बाद, ये चीज़ भी आपको बड़े जो है वो अच्छे से सोचना पड़ेगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपने यूज़ करना है। अभी पहले हम ये करते थे कि हम स्प्रेयर भी यूज़ कर लेते थे, तो अब गाइज आपको जो है वो सॉलिड फर्टिलाइज़र, जिसको नाइट्रोजन बोलते हैं, उसको भी ज्यादा जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो बाकी की चीजें जो है हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बैठते हैं इस ये मशीन जो है गाइस, ये इसी के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। मेरे को नहीं पता अगर इसको आप किसी और चीज के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसके साथ ही कनेक्ट होगी, और सारे लोग तकरीबन इसके साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम जो है वो, मैं अभी कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता कि इसको आप कैसे किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज़, यहाँ पे सैंपल लेने के लिए हमें इस मशीन को लेके जाना पड़ेगा अपने फील्ड में। तो इस मशीन का रेडियस जो है वो सैंपल लेने का, वो है 25 मीटर। तो आपको मल्टीपल सैंपल्स, मतलब कि अपने फील्ड से लेने पड़ेंगे। ये नहीं है कि एक सैंपल आपने ले लिया अपने फील्ड से और बस आपका काम ख़त्म, नहीं। ऐसे वाकई रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि फील्ड्स जो हैं, जो खेत होते हैं हमारे, उनमें न्यूट्रिएंट्स लेवल डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है, इसलिए लोग जो है वो लेज़र लैंड लेवलिंग भी करवाते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि कहीं पे पानी पहुंच रहा होता है, कहीं पे नहीं पहुंच रहा होता। तो यही चीज़ गाइज यहाँ पे भी है कि इसको हमने यूज़ करना है और हमने मैक्सिमम सैम्पल्स लेने हैं, तो जितने सैम्पल पॉसिबल हो सका हम उतने लेंगे। तो यहाँ पे प्रेस करते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि बी प्रेस करो,
अच्छा सॉरी, इसको मैंने अनफोल्ड करना था, अनफोल्ड नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये इस तरह से ट्यूब करके जो है इसके अंदर गई है, और अभी ये मेरे को शो करवा रहा है कि कितना एरिया मैं कवर करूँगा अगर मैं यहाँ से सैंपल लेता हूँ। तो ठीक है, तो हम जो है वो चलते हैं अभी यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे पैसे भी लगते हैं सैंपल लेने के, फ्री में सैंपल नहीं लेती ये मशीन। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मतलब कि ये करेगी। तो ये एक सैंपल ले लिया हमने यहाँ पे, और आप यहाँ पे सॉरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले एक ट्यूब खाली थी, अब उसमें मिट्टी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैप पे भी, छोटे मैप में भी नज़र आ रहा होगा कि जो हमारा फील्ड का जो है वो यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो पहले हम जो है वो बड़े बड़े एरिए कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर जो है वो बाद में हम जो एरियाज रह गए हैं वहाँ पे जो है वो हम सैंपल लेने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे अभी दूसरा सैंपल लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब मैं इस बार कैमरा को दिखा दूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आए कि मशीन कैसे ये सैंपल ले रही है। तो दूसरा सैंपल लेते हैं हम ये गाइज यहाँ पे। ओके जी, तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, दूसरी जो हमारी ट्रे थी उसमें भी। तो अभी हम तीसरा सैंपल जो है वो यहाँ से कहीं से भी ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तीन ही सैंपल एक टाइम पे हम मतलब के ले सकते हैं, बाद में अगर एक्स्ट्रा सैंपल्स लेने हो तो उसका नहीं मुझे पता फ़िलहाल। तो मैंने भी गाइज सब इसको पहले ट्राई नहीं किया है, तो यहाँ पे आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है सीन। ओके, तो अभी तक तो ये मतलब के कह रही है कि और सैंपल मतलब के, अभी मेरे को नहीं पता कि और सैंपल हम कहाँ से ले सकते हैं, या ले भी सकते हैं या नहीं। ओके, तो जो लास्ट हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया है फील्ड का, वहाँ से भी हम एक सैंपल जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सैंपल लेने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट, और देखते हैं कि और सैंपल हम ले पाएंगे या नहीं। ओके, तो गाइस ये ट्रे जो है वो दोबारा से एक किस्म की रीसेट हो गई है, और यहाँ पे पिछले भी सैंपल्स हैं हमारे पास। तो ये अभी बता रहा है, ये देखें यहाँ पे बता भी रहा है कि हमने कितने सैंपल्स टेक किए हैं। अभी हमारे पास चार सैंपल्स हो चुके हैं। तो इस फील्ड को बेसिकली हमने एनालाइज करना था, तो ये हम एनालाइज कर चुके हैं। अब यहाँ पे गाइज हम प्रेस करेंगे मेरे ख्याल से इसको फोल्ड करेंगे पहले। तो अभी यहाँ पे फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंड सोयल सैंपल्स फॉर एनालिसिस। तो वाई प्रेस करेंगे तो ये देखें, द सोयल सैंपल्स आर नाउ सेंट टू लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस, यू विल सी द रिजल्ट्स ऑन द सोयल टाइप्स मैप सून। तो ये अभी बोल रहे हैं कि आपके जो सैंपल जो आपने लिए थे वो हमने लैब को जो है वो सेंड कर दिए हैं, तो जब भी उनका रिजल्ट आएगा फिर गाइज ये लोग जो है हमें बता देंगे कि हमारे इस फील्ड की कंडीशन क्या है, कौन सी चीज़ इसको चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, और अगर लाइम चाहिए तो कितना पीएच क्या होगी पीएच। अभी यहाँ पे गाइस दो तीन चीज़ें होंगी जो कि आप में से शायद कुछ लोगों ने ना सुनी हो, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उनको पता होगा कि पीएच क्या होती है। पीएच गाइस बेसिकली एसिडिटी होती है, तेजाबियत भी उसको बोलते हैं, कि आपकी ज़मीन में जो है वो कितना तेजाब है। तो पीएच जो है वो तेजाब को मेजर करने का एक यूनिट है, मतलब कि तेजाब को मापने का एक यूनिट है, कि जैसे हम कपड़े को मीटर्स में नापते हैं या डिस्टेंस को फुट फुट फीट्स में नापते हैं, तो इसी तरह जो हम अपने फील्ड की एसिडिटी होगी, तेजाबियत होगी, उसको पीएच में मापते हैं। तो पीएच अगर बहुत कम होगी तो उसका भी गाइज हमारी क्रॉप्स को नुकसान होगा, अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उसका भी नुकसान होगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो सैंपल आया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने सैंपल तो भिजवा दिए, ठीक है, अब सपोज उनका रिजल्ट भी आ गया। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन शो हो रही है कि हमारी जो है वो पीएच क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे फील्ड इन्फो राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, नाइट्रोजन भी आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन हमें इसने इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब कि नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम यहाँ पे चलेंगे मैप में, और यहाँ पे आपको ये देखें एक एक्स्ट्रा टैब नज़र आ रहा है जो अभी ऑरेंज कलर का ब्लिप कर रहा था, ये देखें अभी हम इस मैप की टैब के ऊपर आ गए। यहाँ पे गाइज ये प्रिसीजन फार्मिंग का टैब है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब हमारे यहाँ पे सोइल टाइप्स हैं, ठीक है, आधा ये फील्ड जो है वो लोमी सैंड है और आधा जो है ये सैंडी लोम है, ठीक है, और फिर ये लोम और सिल्टी क्ले और
इस तरह से है, ये चार बेसिकली जो है यहाँ पे सोयल टाइप्स हैं इस गेम में, एटलीस्ट यहाँ अभी तक। तो अभी यहाँ पे हमारा जो फील्ड है वो आधा लोमी सैंड है और आधा सैंडी लोम है। तो गाइज जो लोमी सैंड है उसको चीज़ें अलग चाहिए होंगी, अलग तरीके से चाहिए होंगी, जो सैंडी लोम है उसको अलग अलग तरीके से चीज़ें चाहिए होंगी। चीज़ें क्या है, हमारा क्या बोलते हैं इसको, लाइम हो गया, नाइट्रोजन होगी। तो जो लोमी सैंड है इसको लाइम और नाइट्रोजन अलग क्वांटिटी में चाहिए होगी, जो सैंडी लोम है इसको लाइम और नाइट्रोजन अलग क्वांटिटी में चाहिए होगी। तो अब हमारा फील्ड है हाफ, मतलब कि लोमी सैंड है और हाफ जो है वो सैंडी लोम है। और अभी हम देखते हैं कि इस साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि पीएच वैल्यू ओके है। थोड़ा सा आगे चलते हैं या पीछे इधर उधर होते हैं तो ये बताता है कि पीएच वैल्यू गुड भी एक जगह, ये देखिए ये यहाँ पे कह रहा है कि पीएच वैल्यू गुड है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पीएच वैल्यू ओके है। अब यहाँ पे आप जब देखोगे राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पे नाइट्रोजन बता रहा है 20 kg/हेक्टर, और इसी तरह अगर हम मूव करते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो यहाँ पे बता रहा है 40 kg। बेसिकली ये यहाँ का बता रहा है ग्रास का, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टेटस चेक करें तो ये 20 kg/हेक्टर, मतलब नाइट्रोजन भी बहुत कम है। और अब हम चलते हैं उस हिस्से में जहाँ पे ये बोल रहा था कि मतलब कि लोमी सैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच गुड है, मतलब हम ऐसे पार्ट में हैं जहाँ पे ये लोमी सैंड वाले पार्ट में है फील्ड के, तो यहाँ पे पीएच गुड है, मतलब पीएच को हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अच्छी कंडीशन में है। लेकिन यहाँ पे गाइज नाइट्रोजन जो है वो कम है। यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है आपके फील्ड की, ठीक है। तो ये इसको मतलब कि आप प्रेस करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीएच बेस्ट वैल्यू है वो 6 से लेके 6.75 तक है, 7 भी जो है वो बुरी है और 6 जो है वो भी बुरी है, लेकिन तकरीबन आप कह लो कि 6.25 से लेके 6.75 ये आपका गोल होना चाहिए कि इसके दरमियान दरमियान जो है वो आपकी पीएच रहनी चाहिए। और इसी तरह नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो भी आप देख सकते हैं, जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन होगी उतना ही बेहतर है। तो वो मतलब कि इसी तरह ये आपको अनलो मतलब कि स्प्रेड करनी पड़ेगी नाइट्रोजन। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ ये है जी यील्ड, ये यील्ड अभी शो नहीं होगा, जब हम इसके ऊपर कोई क्रॉप प्लांट करेंगे फिर उसको हार्वेस्ट करेंगे फिर ये मैप जो है वो शो होगा कि हमें जो है वो कितना यील्ड यहाँ से मिला है इस फील्ड के अंदर से। तो ये अगेन हम वापस से आ गए हैं लोमी सैंड और सैंडी लोम के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक लाइम स्प्रेडर, ठीक है जी। और ये छोटा सा फील्ड है तो हम ये वाला ले लेते हैं, इसकी कैपेसिटी चलो ये वाला ले लेते हैं यार, तो इसकी कैपेसिटी ठीक है। तो इसको स्प्रेडिंग डिस्क लगवा लेते हैं, और ये वाला हमने ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम जो है वो लाइम के पैलेट्स भी ले लेते हैं, अभी वो भी हमें चाहिए होगा। अब देखते हैं कि क्या मतलब की सिचुएशन है इसकी, अगर हम लाइम अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब कि क्या इफेक्ट होगा हमारे इस फील्ड के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं अपने किसी भी ट्रैक्टर में, तो इसी ट्रैक्टर को यूज़ कर लेते हैं, आई होप कि ये खींच लेगा। तो आज की वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, इस तरह की वीडियोस जो है वो डेली डेली रोज़ रोज़ नहीं आती हैं। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके जी, इसको कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है इसमें लाइम लोड करते हैं। तो ये लोड हो रहा है लाइम, और थोड़ा सा मतलब कि डेफिनेटली टाइम लगने वाला है इसको। ओके जी, तो ये हमने लाइम लोड कर लिया इसमें, और यहाँ पे अभी हम चलते हैं अपने फील्ड के अंदर, और यहाँ पे अभी तक के लिए
हम करते हैं यहाँ पे अभी गाइस, अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर अपना कॉमा प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिक लाइम जो है वो अप्लाई कर देगा, मतलब कि जिन एरियाज को लाइम चाहिए होगा वहाँ पे अप्लाई कर देगा, जिन पे नहीं चाहिए होगा शायद हो सकता है उसके ऊपर ना भी अप्लाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम प्रेस करते हैं बी और देखते हैं कि क्या सीन जो है वो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं और लेट्स सी कि किस तरह से, मतलब कि ये ऑटोमेटिक जो लाइम सेपरेशन है वो किस तरह से काम करती है, कि क्या मतलब कि इसका रिजल्ट निकलता है। तो आप वहाँ पे देख सकते थे कि जो हमारा सैंडी लोम वाला एरिया था इस फील्ड का, उसकी ये पीएच बता रहा था कि ओके है, लेकिन इस साइड की बता रहा था कि ये गुड है इसकी पीएच। तो अभी लाइम स्प्रेड करने के बाद देखते हैं कि हमारे जो दूसरा सैंडी लोम वाला एरिया था फील्ड का, उसकी पीएच को कितना फ़र्क पड़ता है लाइम स्प्रेड करने से, और जो जिसकी ऑलरेडी गुड बता रहा था उसको कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अभी एनालाइज करेंगे थोड़ी देर तक। तो अभी चेक करते हैं यहाँ पे, इसको प्रॉपरली जो है वो अप्लाई करते हैं लाइम। तो हेल्पर भी हायर कर सकते हैं, हेल्पर के रिलेटेड भी एक इंटरेस्टिंग सी अपडेट निकाली है यहाँ पे इसी डीएलसी के साथ, फार्मिंग सिमुलेटर 19 में। और वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक जो है वो समझाता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ कि किस तरह से है और क्या कैसे वो मतलब कि काम करेगी। तो सारा कुछ इस वीडियो में जो है वो आपको मिलने वाला है जो भी है इस प्रिसीजन फार्मिंग डीएलसी में। तो मेरे नज़दीक ये बहुत ही ज़्यादा एक रियलिस्टिक डीएलसी है, और इसमें मतलब इसको इसके बाद जो है वो फार्मिंग सिमुलेटर 19 में और भी ज़्यादा जो है वो रियलिज्म आने वाला है। और लेकिन अगर देखा जाए एक प्लेयर के प्रस्पेक्टिव, एक कैजुअल प्लेयर के प्रस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उतना मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। मतलब इतना बखेड़ा करोगे फिर जाके जो है वो करना किसके लिए, ये ज़्यादा यील्ड लेने के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा इस गेम को रियलिज्म मतलब कि रियलिस्टिक तरीके से खेलना चाहता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही यूनिक किस्म और उसका मनपसंद डीएलसी होगा ये। तो अभी हम ट्रैक्टर को मतलब कि यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, यहीं पर खड़ा कर देते हैं। ओके जी, अभी ये देखो यहाँ पे भी पीएच वैल्यू, अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी वैसे गुड बता रहा था, लेकिन अभी नेक्स्ट चलते हैं हम और फिर देखते हैं कि क्या है यहाँ पे पीएच वैल्यू हमारा। तो अभी ये गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे भी अब ये पीएच गुड बता रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम इसका पीएच मैप ओपन करते हैं हमारे फील्ड का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 5 पॉइंट समथिंग है, 5.50 या 5.75 के राउंड अबाउट है, और इस तरफ जो है वो 6 के राउंड अबाउट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अप्लाई हो गई है और वहाँ पे अप्लाई नहीं की, तो शायद यही थी मतलब कि ऑटोमेटिक लाइम एप्लीकेशन का मतलब यही था कि वहाँ पे वो अब्जॉर्ब नहीं हुई। तो ये एक हो सकता है कि इस तरह का हो कोई फीचर, अभी मुझे कन्फर्म नहीं है। तो ये ना ही ज़्यादा मतलब कि कहीं पे एक्सप्लेन किया गया है कि ऑटोमेटिक लाइम जो है वो क्या है उसका। ओके, यहाँ पे एक नई चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जाते हैं मिसलेशियनी, यार क्या गंदा सा लफ्ज़ है यार, अक्सर मेरे को भूल जाता है इसको प्रोनाउंस करना। यार अगर आप यहाँ पे मतलब आते हैं, तो यहाँ पे है बिल्डिंग विद आरटीके बेस स्टेशन। अब ये आरटीके बेस स्टेशन क्या है और शेड विद आरटीके बेस स्टेशन, ये क्या चीज़ें हैं ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पे गाइज बेसिकली है हमारे हेल्पर्स के लिए एक क्या बोलते हो यार आप उसको, मतलब इसको अगर आप अपने मैप पे इंस्टॉल करोगे तो आपके हेल्पर्स जो एआई हेल्पर्स हैं वो कुछ ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, ऐसा कहना है जायंट सॉफ्टवेयर वालों का। वो इंटेलिजेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अब मुझे ये नहीं कंफर्म कि इसको इंस्टॉल करके जो हेल्पर्स इंटेलिजेंट होंगे और एफिशिएंट होंगे वो ओवरऑल होंगे या सिर्फ और सिर्फ इस डीएलसी के रिलेटेड जो टास्क होंगे उनके रिलेटेड जो होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसके ऊपर एक टावर सा लगा हुआ है, जिसके ऊपर दो वाईफाई के राउटर्स के तरह जो है वो दो एंटीना लगे हुए हैं। तो ये शायद किसी तरह सा मतलब कि काम करता है और हेल्पर्स को बताता है कि क्या है सिचुएशन फील्ड की और कहाँ पे लाइम स्प्रेड करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो शायद इस रिलेटेड ये है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसको यूज़ करके आपके जो हेल्पर्स हैं वो आपका जो है वो फर्टिलाइज़र और सीड दोनों को जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ करता है और मतलब सेव करता है कुछ। मतलब आपको भी पता है अगर आप फेयर तरीके से खेलते हैं तो फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत महंगा पड़ता है इस गेम में। ओके जी,
तो ये हो गया। अभी हम चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं सॉलिड फर्टिलाइज़र, तो उसका क्या मतलब कि रिज़ल्ट निकलता है। तो यहाँ पे मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा है क्या? ओके, तो यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं नाइट्रोजन जो है वो अभी हम परचेज करते हैं और देखते हैं कि उसका मतलब कि क्या रिज़ल्ट निकलता है यहाँ पे, और क्या सिचुएशन होती है, मतलब कि अप्लाई होती है पर हेक्टर जितनी अमाउंट अभी शो हो रही है उसमें कोई चेंज आता है या नहीं। तो अगर तो उसमें चेंज आएगा तो डेफिनेटली इट मीन्स कि हमारा जो है वो नाइट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है इस फील्ड में। तो वो फिर जब नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है कि ओवरऑल हमारा जो है वो यील्ड इंक्रीज़ होगा। अभी हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मतलब कि हम नाइट्रोजन इसमें अनलोड करते हैं, और पहले हम चेक कर लेंगे कि अभी के लिए कितना शो करवा रहा है, और जब हम अप्लाई करेंगे उसके बाद फिर देखेंगे कि फिर कितना जो है वो शो करवाते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 kg पर हेक्टर या 40 kg पर हेक्टर बता रहा है, तो 20 लगा लो या 30 लगा लो, यही मतलब क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको अप्लाई करने के बाद ये कितनी मतलब के पर हेक्टर बता रहा है कि मतलब इंक्रीज़ हुआ है नाइट्रोजन का कंटेंट या उतना ही रहा है। तो डेफिनेटली आई गेस कि मेरे ख्याल से होगा। अच्छा, नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज़ करने के लिए आपको सिर्फ नाइट्रोजन स्प्रेड करने की ही नहीं मतलब की ज़रूरत, आप यहाँ पे सिलरी या फिर मैनर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन अप्लाई कर रहा हूँ तो साथ ही मैप का जो है वो स्टेटस भी चेंज हो गया। ठीक है, ये गेम ने खुद ही डिटेक्ट कर लिया। और भी देख लें कि यहाँ जहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे जो है वो कलर चेंज हो रहा है फील्ड का, और पहले बहुत ज़्यादा रेडिश था, अब यहाँ पे ऑरेंज हो चुका है। और यहाँ पे मतलब कि डिफरेंट जितना कंटेंट होगा नाइट्रोजन का उस हिसाब से जो है यहाँ पे हमारा फील्ड जो है ये अपना कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, जो ग्रीन होगा उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है और अच्छी मतलब कि क्वांटिटी में नाइट्रोजन है। अगर रेड होगा इसका मतलब है कि नाइट्रोजन बहुत कम है और हमें और नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत है। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये DLC है, बाकी DLC या मोड्स के निस्बत, जैसे कि अभी हमारे पास एक GPS का था, फिर एक एक दो और थे इस तरह के, तो क्रॉस कोर्स प्ले था, ये सारे मोड्स या DLC जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और एक आम बंदा अगर उनको यूज़ करने की कोशिश करता उनको समझ नहीं आते थे जल्दी। कोर्स प्ले तो बिलखसूस जो एक्चुअल फार्मर्स थे जो ट्रैक्टर्स को यूज़ करते थे और उनका ऑलरेडी एक हाथ जो है वो टिका हुआ था, उनको समझ में आता था। एक आम प्लेयर के लिए जो मेरे जैसे और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रैक्टर के अंदर बैठ के भी नहीं देखा कि कैसा होता है, और ना ही उसका मतलब कि GPS से इंटरफेयर किया है हमने कभी, तो हम लोगों के लिए वो मोड नहीं थे। ठीक है, तो इस ये लेकिन ये वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इजी टू अंडरस्टैंड बनाया है, सभी चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो, थोड़ा सा मतलब कि खेलते हो गेम को, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आने लगेंगी। तो अभी फॉर इंस्टेंस ये यहाँ पे नाइट्रोजन ही देख लो कि मतलब कितना ईजी है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे बता रखी हैं कि कैसे कौन सी चीज़ें जो है वो काम करती हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे उतर के अपने ट्रैक्टर से देखेंगे कि नाइट्रोजन का कंटेंट हमारे कितने इंक्रीज़ हुए हैं फील्ड में। ओके जी, तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे 20 kg शो करवा रहा था, अब 40 kg आ गया, मतलब 20 kg पर हेक्टर जो है वो हमने इंक्रीज़ कर लिया है नाइट्रोजन कंटेंट को। ठीक है, अभी जब हम क्रॉप प्लांट करेंगे उसके साथ जो नाइट्रोजन या मैनर जो है वो स्प्रेड करेंगे, तो जितना ज़्यादा हम जो है वो स्प्रेड करते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारा यील्ड इम्प्रूव होता जाएगा। तो यही था गाइज, अब ये जो लास्ट चीज़ जो है ये है यील्ड मैप। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोई क्रॉप हार्वेस्ट की ही नहीं है। जब हम क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे तो फिर ये यील्ड जो है ये वाला मैप जो है वो शो होगा और डिफरेंट कलर्स शो करवाएगा, और एक फील्ड के अंदर ही डिफरेंट कलर्स शो करवा देगा कि फील्ड के इस साइड से इतना यील्ड निकला है, दूसरे साइड से निकला इतना यील्ड निकला है। ठीक है, तो ये होगा होगा हमारा यील्ड मैप। तो यहाँ पे सॉइल टाइप अगेन आपको मैंने बता दिया है कि 4 सॉइल टाइप्स हैं, कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर, ये वाली बहस का यहाँ पे कोई तुक्की नहीं बनता, ये गेम ने अपनी तरफ से डिसाइड कर रखी है कि ये वाली सॉइल ये है, ये वाली सॉइल ये है। क्या मैटर करता है यहाँ पे वो है कि कौन सी सॉइल टाइप को कौन सी चीज़
ज़्यादा चाहिए या कौन से कम चाहिए। तो ये हम जो है वो ओवर द टाइम सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे कि लोमी सैंड को कौन सी चीज़ कितनी चाहिए होती है, सैंडी लोम को कितनी चाहिए होती है, और केली जो लोम है उसको कितनी चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी तक नज़र आ रहा है उसके मुताबिक जो लोमी सैंड है वो एक थोड़ी सी बेहतर टाइप की सॉइल है। तो उम्मीद है गाइस के आपको प्रिसीजन फार्मिंग DLC के रिलेटेड जो भी थी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे आई इस वीडियो में मिल चुकी होगी, हिंदी में मिल चुकी होगी। गेमिंग साइड एक बार फिर से आपके लिए प्राउडली फर्स्ट टाइम एक्सक्लूसिव लेके आया है इस तरह के मैप के रिव्यूज़, और हिंदी में और उर्दू में जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो आई जस्ट होप कि आपने ये वीडियो इंजॉय की होगी। किसी भी किस्म का सजेशन है या अगर आप इस DLC के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज यूजुअल मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।